समस्त को नमस्कार। ओडिशार प्रथम हेल्थ चैनल प्रिकॉशन फॉर हेल्थ को स्वागत करुच ऋतुपर्णा। दर्शक बंधु, ऋतुस्राव बा मेंस्ट्रुएशन एटा आज भी गोटे टैबू हिसाब से धरा जाए छी। या विषय चर्चा करिबा बा या विषय कथा हबा आज भी लोक भावती नाई नहले चलिबो बा आपनकर कोनोसी असुविधा हला जे कोनोसी बयस आपन टीनएजर थांतु आपन यंग थांतु आफ्टर मैरिज थांतु बा आफ्टर 40 थांतु या विषय मन खोली की चर्चा एथिपई करिवेनी काईना आमे काहाकु भल भाबरे या विषय चर्चा करिवार ही देखि नथौ। तेणुकर ऋतुस्राव मेन्सुरेसन पीसीओएस एंड पीसीओडी रो समस्या जोटा कि दिनक दिन बार बार बढ़िवारे लगी पीरियड समय रे अंटा पेन हबा पेट पेन हबा ये सब विषय चर्चा करिबा निहाती आवश्यक। केवल महिला टीए नुहे घरे पुरुष मान को ये सब विषय टीचिंग दबा बा इस विषय लर्निंग करवा केते आवश्यक आज आम से विषय संपूर्ण मात्रा चर्चा करवा। आज आम सहित अच्छा सीनियर गायनेकोलोजिस्ट आमरी डॉक्टर हरप्रीत कौर मैडम। मैडम नमस्कार, वेलकम टू आवर शो। प्रथम आम जानापे चाहे मैडम ये जो ऋतुस्रावर प्रॉब्लमटा कौन पे हुए बिकज आम जानी गोटे पीरियड पर बाय डिफॉल्ट से ठीक से हुए बट ये जो साइकिलटा ठीक से हुए नहीं कौन पे यार असुविधा हबार कारण कौन यूजुअली मैंने साइकिलटा रेगुलर हुए बिकज अफ गोटे पैटर्न रे हार्मोन्स आसे ता जोगु रेगुलर साइकिल्स हुए बट आजिकल बिकज अफ मल्टीपल फैक्टर्स हार्मोन इम्बैलेंसटा बेसी देखा जाउछि जहाँ जोगु इरेगुलर साइकिल्स जल्दी हबा कि लेट हबा ए सब प्रॉब्लम्स देखा जाउछि। मैडम तेल अल्प बहुते महिला मानक भितरे समस्याटा तो देखा जाए तो आपण हार्मोनल इम्बैलेंस कहिले बट काही कि तार किछु रीजन अछि कि मैडम हार्मोनल इम्बैलेंस हबारो ना सब लेडीज को भितरे एटा देखा जाए नहीं समस्त माने आजिकालि गोटे फैक्टर आम सब थ्रू एट्रिब्यूट करुच्छू कि स्ट्रेस भी अच्छी आम लाइफ स्टाइल खाइबा पैटर्न राति रे लेट सोएबा सो समहाउ सेटा फीमेल हार्मोन्स को बहुत इम्पैक्ट करे माने साइकिल रे गोटे हार्मोन्स गोटे पैटर्न रे आसे एग रिलीज हुए तार हार्मोन्स आसे एंड देन फाइनली पीरियड्स हुए बट बिकॉज ऑफ माने केते गुडा रीजन जेंती हमें स्ट्रेस कहली खाइबा पीवा पैटर्न ओबेसिटी माने वेट गेन हबा ता जो को रिलेटेड होची जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम देन आजकल इंसिडेंस ऑफ केते फाइब्रॉइड्स एंडोमेट्रियोसिस मेनोपॉज रिलेटेड प्रॉब्लम्स ए मनकर अधिक प्रॉब्लम एंड पीसीओडी यंग जनरेशन रे बहुत ही कॉमन हे गलाने तार किसी मैडम किसी जाना पड़ी किसी स्पेसिफिक रीजन की पीसीओडी एंड पीसीओएस कौन पे हो जी पीसीओएस बेसिकली बहुत गुड़ा प्रॉब्लम्स रो गोटे सिंड्रोम जो थे देखा जाऊँ वेट गेन हेले भी हार्मोन इम्बैलेंस होची हार्मोनल इम्बैलेंस जो वेट गेन होची सो एटा गोटे विशियस साइकिल भलिया सो से थे मल्टीपल प्रॉब्लम्स माने वेट गेन इरेगुलर साइकल्स देन अनवांटेड हेयर ग्रोथ ओवर फेस पेट उपरे एंड तांकर फर्टिलिटी इश्यूज भी हो जाए बहुत एक्ने प्रॉब्लम तो ये बहुत अलग प्रॉब्लम्स प्रेजेंट करती एंड जमती है कहीं हुए तार कि जेनेटिक माने एमती कह कि जेनेटिकली किसी आसी कि माँ रेटर ही आसी हाँ गोटे फैमिली रे देखा जाऊँ कि हेरिडिटरी हो पाए सम पेशेंट्स फैमिली रे हो पाए मोस्ट कॉमन किंतु हो जाए लाइफ स्टाइल आजिकल खाइबा पैटर्न जोटा फास्ट फूड पैटर्न ऑयली फूड खाइबा टाइम रे न खाइबा टाइम रे न सोइबा सो से गोटे इम्पैक्ट पकाउछे। मैडम आउ गोटे जिनस देखा जाए लेडीज मानक बर्तमान लाइफ स्टाइल चेंज सहित स्मोकिंग हैबिट ड्रिंकिंग हैबिट भी रही जाए अल्कोहलिक टी हो जाए एटा भी गोटे रीजन हाँ सेटा भी गोटे रीजन सेटा ही लाइफ स्टाइल रे कि माने स्मोकिंग आउ अल्कोहल को हमें डायरेक्टली रिलेट करि परिबा नहीं बट बहुत गुडा इंसिडेंस की स्टडीज हो छी जो थरे देखो छी कि स्मोकिंग मे नॉट बी रिलेटेड डायरेक्टली पीसीओएस रे बट अलगा प्रॉब्लम्स रे भी इंसिडेंस हाई माने केते गुडा कैंसर रे जहार स्मोकिंग पैटर्न रहू छी कि अल्कोहलिक से माने टिके प्रोन हे जाउ छंती या पाए। मैडम जेंती ऋतुस्राव कथा कहिले जो टीनेज मानकर समटाइम्स गोटे प्रॉब्लम थाए यंग मानकर गोटे प्रॉब्लम थाए आफ्टर मैरिज भी थाए आम बहुत शुणी पीरियड्स प्रॉब्लम होची बाहला परे ठीक हो जीवो बा आफ्टर 40 जो आप मेनोपॉज कहले तो विभिन्न टाइम रे को प्रकार पीरियड्स प्रॉब्लम देखा जाए जदि आम एज वाइज कैटेगराइज करिया कि डिवाइड करिबा यंग झियो माने जो माने जस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होची तांकर इरेगुलर साइकिल वर्ष भितरे सम नॉर्मल थाए माने जण जणकर नॉर्मल थाए माने तांकर लेट हे पारे दुई तीन मास गैप हे कि हे पारे टिके जल्दी हे पारे बट 1 ईयर भितरे सेटा धीरे धीरे आपे आपे पैटर्न को आसी जाए बट जो मानकर टाइम हो गलानी बट सेटा पैटर्न को आसुना कि लेट हो चलती आउ ता संगरे आम देखुचु अलग प्रॉब्लम्स वेट गेन होची अनवांटेड हेयर होची से माने थायरॉइड बाहर
सो ए मानकर प्रॉब्लम्सटा रहुचि कि तांकर अलगा हार्मोनल इश्यूज रहुचि एंड तांको ट्रीटमेंट भी दरकार पड़ी पारे बट 1 ईयर जाय आमे तांकर वेट करि पारिबु तले यंग झियंकर जदि आउ किछ नथिबो थायरॉइड प्रॉब्लम थिबो कि ओबेसिटी थिबो सेटा भी तांकर हार्मोनल इंबैलेंस करे जेमती झियो बड़ होउचि सेई टाइम रे स्ट्रेस फैक्टर तांकर खाइबा पैटर्न वर्क स्टाइल ए गुडा रे तांकर हार्मोनल इंपैक्ट आसे एबे तो देखा जाउचि परीक्षा टाइम आसलानी किछि भी स्ट्रेस अछि साइकिल स्किप हे जाउचि कि डिलेड हे जाउचि एंड देन साइकिल हेला बले बहुत हेवी ब्लीडिंग होउचि देन जेमती बाहाग्र हेला अच्छी देखुची मेडिकल साइंस रे कि हम बाहाग्र हेला परे पेन इंपैक्ट आसी जाए जननक साइकिल्स भी रेगुलर हुए बट डायरेक्टली किछि कोरिलेशन नाही देन प्रेगनेंसी परे भी हार्मोनल इंबैलेंस जोगु वर्षे डेढ़ वर्षे इरेगुलर साइकल्स देखा जाउचि एंड ग्रेजुअली विथ एज जोटा मेनोपॉज से इनिशियली आम गोटे पीरियड को पेरी मेनोपॉज माने मेनोपॉज आसवा पूर्वर टाइम से 10 वर्ष हो पारे 5 वर्ष हो पारे 15 वर्ष हो पारे जो थे हार्मोन इंबैलेंस हुए एंड इरेगुलर साइकल्स अगेन थाए कॉमन कही हेबनी बट येस मैंने से टाइम रे डिटेक्ट करवा कथा एटा नॉर्मल हार्मोनल इंबैलेंस बिकॉज ऑफ ओव्यूलेशन पैटर्न डिस्टर्बेंस कि एटा किसी आउ रोग आड़ को जाऊँचे ताले मैडम ये सब सिम्टम्स हेले ही हमें डॉक्टर्स का सहित कंसल्ट करूँ ना आउ किसी सिम्टम्स अर्ली स्टेज रु जीव गोटे टाइम थे जो थी कि डॉक्टर सहित कनसल्ट ही करवा दरकार नॉर्मली आम कहूँ कि जदि आम डिफाइन करूँ केते दिन पीरियड्स हवा कथा केमती हवा कथा तो 2-8 दिन भी जदि कहार हो मैंने 2 डेज पैटर्न अच्छी कि 8 दिन अच्छी सबू 28 दिन को हो 30 डेज रे हो कि 45 डेज रे हो बट से झीर जो भी पैटर्न थाए 2 डेज थाए 45 डेज रे आसूची से सिमिलर पैटर्न जदि सबू मस को आसूची से झीपाई नॉर्मल माने आमे कही पारिबोनी दीटा झियो तांकर पैटर्न समस्तंकर सेम हबा कथा सो गोटे झियोर जदि तार निजर पैटर्न चेंज होउची माने नॉर्मल 2-3 डेज ब्लीडिंग होतला एबे 6-7 डेज हेलानी आगुरु पेन नथिला एबे पेन हेलानी कि आगुरु बहुत ब्लीडिंग थिला एबे कमी कमी आसलानी पेनफुल बढ़ी बढ़ी चलचे तो निजो पैटर्न रु जदि किछि इंबैलेंस रहुची ताले डॉक्टर चेकअप करबा कथा सेकेंड जदि झियो जस्ट मेन्स्ट्रुएशन स्टार्ट होती वर्षे ऊपर को होगलानी तार रेगुलर साइकल्स हो ना डॉक्टर को अगेन कंसल्ट करया कथा मेनोपॉज टाइम आसलानी तो से टाइम रे भी हेवी ब्लीडिंग को नॉर्मल भाविबा कथा नुहो एंड कंसल्ट करके जानिबा कथा ए टाइम रे मैडम आगे जो हेवी ब्लीडिंग कथा कहले मोस्टली आम देखो जो मानक एक्चुअली बहुत हेवी ब्लीडिंग हुए कि 3-4 दिन पर नॉर्मल हो जाए तो ताकू भी आम देखा जदि मेनोपॉज कथा कहले कि गोटे नॉर्मल एज रु आप 25-40 भितर देखले बहुत जन मु भी देखी पर्सनली बहुत हेवी ब्लीडिंग हुए से जापारती बहुत पेन हुए बहुत कष्ट था तो सेटा खबर किसी रिजन जी हो तार उपचार कौन कर जनक नॉर्मल पैटर्न ही था कि किसी रोग बट हेवी ब्लीडिंग पैटर्न 3 डेज हम हेवी ब्लीडिंग हम आपे आपे सबसाइड कर एंड पेन बट ये दुटा केस रे एटलिस्ट थे डॉक्टर को देखे कि बेसिक हार्मोनल टेस्ट थायरॉइड टेस्ट अल्ट्रासाउंड करदेबा कथा सो दैट जदि किसी भी स्मॉल पॉलीप हो फाइब्रॉइड्स हो कि किसी सिस्ट डेवलप हो अर्ली स्टेज रे डिटेक्ट होदि एगुड़ा किसी प्रॉब्लम ना आर नॉर्मल साइकिल सेमती तेल ब्लीडिंग जिते हेवी हो एंड अनकंट्रोलेबल जदि होती मेडिसिंस नहीं कि फ्लो को कमेवा कथा बट तांगे इंपोर्टेंट हूँ निजर आयरन रिच फूड आयरन सप्लीमेंट जदि दरकार सो दैट हिमोग्लोबिन न कमी जाओ कहीं नॉर्मल थपे विथ नो डिजीज बट तार सब मस को एत लस है तार डाएट पैटर्न ठीक ना से किसी आयरन सप्लीमेंट्स नौनी तेज़े तार एनेमिया कि हिमोग्लोबिन कम हवा जो भी अलग रोग बाहरी मैंने जो पेट कष्ट कथा कहले बहुत जन पेटर गरम पा दिखती युव जो उपचार गुड़ा करती के हेल्पफुल हुए ना ये करवा ही दरकार नुहे मैंने स्पेशली पेन से नर्वस एमती थाए कि जोटा कुआ हुए कि बाहर पर छुआ है सेटा पेन पलाए ना एक्चुअली से नर्वस गुड़ा स्ट्रेच हुए एंड पेन पलाए भी बेसिक किंतु गरम पानी सेक पेटर दबा एगुटा हेल्प करे बिकॉज से हीट जो सम सिक्रीट हुए प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ता जो से पेन आंटी प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड पेनटा कमी जाए सो नॉर्मल जदि आम कहू कौन करवा कथा घरे रिलीफ पाई रेगुलर जो मैंने योगा एक्सरसाइज करती भी ए पेनटा टे कम रुहे इमिडिएटली से टे हॉट वाटर बैग ने कम रंड थर्ड जिनस जदि बेसी पेनफुल अच्छी आ दरकार पड़ू मेडिकेशन मस को मस आफ्टर डॉक्टर एडवाइस नहीं भी पारे
ଯେମିତି ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇସବୁ ଟ୍ୟାବୁ ଏବେ ବି ଆମେ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିନଥାଉ ଝିଅଟି ଏବେ ବି ଲାଜ କରେ କହିବା ପାଇଁ କି ମୋର ପିରିୟଡ଼ସରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବା ସମହାଉ ମୁଁ ପେନ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି ତ ଘରେ ସେ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଖାଲି କେମିତି ଆମେ କରିପାରିବା ଖାଲି ମଦର୍ସ ମାନେ ତ କରିବେନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ଘରେ ଅଲଗାମାନଙ୍କୁ ବି କହିବା କଥା କି ଏଇ ସମୟରେ ବୁଝିବେ ତାଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ଦେବେ ତ ଏଇ ଟ୍ୟାବୁକୁ ଆମେ କେମିତି କାଟିପାରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ बेसिकली ये टैबू पाए तो फुल फैमिली को सपोर्ट करिबा कथा फर्स्ट होची मदर रो रोल कि ता झियो को बुझेबा कथा कि दिस इज नॉर्मल सबू झियो माने ए साइकल रे जानती प्रॉब्लम हेले हमरो फैमिली मेंबर्स को आमे जणेले ही से माने एक्सेप्टेंस करि परिबे एंड एबे मेन माने मेल्स माने भी तांकर अटिके फॉरवर्ड आछोंती से माने भी चाहोंचोंती तांको मां भौनी वाइफ को हेल्प करिया पाई बट जो जा हमें तांको डिस्क्लोज करिबोनी एटा मेडिकल साइंस रे गोटे चैप्टर थाए रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड से माने समस्ते जानी चोंती कि एमटी बायोलॉजी रे थाए सो एटा डिस्कस करिबा किछि खराब नहुआ जदि हमें तांको नेकि चालिबो एटा नॉर्मल गोटे फिजियोलॉजिकल जिंसो एंड एक्सेप्टेंस बढ़िलाने लोक मैंने भी चाहूँच कि आम हेल्प करम फिमेल मेम्बर्स को मैडम आउ गोटे थाए लोक धारणा थाए कि मोर बेसी हेवी फ्लो होट्स लीड्स टू कैंसर तो समहाउ आम यहाँ डिस्कशन करवा कथा केयर जाकि डक्टर सहित कनसल्ट करवा कथा कि ना यहाँ गोटे नर्माल टेस्ट हो पार हेवी फ्लोर केते दिन पर आफ्टर म्यारेज आम कह मेनली जमती आरंभ कहली कि जहाँ फ्लो जमती अच्छे अधिक हवा आरंभ है कि आगुरु 3 days होता है 5 days है कि आगुरु पेन नाला पेन है सो एनी डिस्टर्बेन्स निज पैटर्न डिस्टर्बेन्स डॉक्टर को चेकअप करिया कथा एंड जदि पैटर्न आगुरु केबे चेकअप हैनी बट फ्लोटा आरंभ रु हुए एमती अच्छी स्टिल गोटे फॉलोअप गोटे चेकअप करिया कथा कि किसी ग्रोथ यूट्रस भितर हो कि सिस्ट फॉर्मेशन हो एंड एनी चेंज रे डॉक्टर पाख को चेकअप करिया मैडम ऋतुस्राव समय को जिनस को बेसी ध्यान देवा दरकार लाइक बहुत कहते फिजिकल एक्टिविटी करिया कथा नुहे योगा करिया कथा नुहे तो ऋतुस्राव हेला भितर भी आम नॉर्मल डे टू डे लाइफ करू कि ना जिन ध्यान उचित नर्माली मेन्स्ट्रुएशन टाइम सब एक्टिविटी करहब मतलब एनिवेन एथलीट्स से मैंने सब एक्टिविटी करें खाली केयरफुल हवा कथा प्लेंटी ऑफ लिक्विड मैंने पानी सफिशिएंट एंड खाइबा पैटर्नटा भी ठीक कहीं फ्लो तो हो रो अधिक फ्लो मीन्स से मैंने डिहाइड्रेशन से सब प्रॉब्लम भी हो पाए तो डाएट एंड प्रॉपर रेस्ट भी दरकार जदि तुम हेवी पेन होस्ट ने सिम्टम्स गुड़ा जल्दी रिजल्व कर जो मैंने मैं ऋतुस्राव प्रॉब्लम अच्छी पीसीओएस पीसीओडी कहले लाइफ स्टाइल केमती हवा दरकार से माने केमती उपचार कौन ने नॉर्मली से साइकिल ठीक ठाक हम मेन तो फर्स्ट जिनस पीसीओएस लाइफ स्टाइल चेंजेस जो थे हूँ रेगुलर एक्सरसाइजेस एवं रेगुलर एक्सरसाइज माने कौन कि एटलिस्ट 30 to 45 मिनिट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज माने किए कह वॉकिंग करुच्ची बट से स्लो एमती गपी गपी बुलिकी आसब दैट इज नॉट एक्सरसाइज एटलिस्ट 30 to 45 मिनिट्स वॉकिंग हो योगा हो रेगुलर एक्सरसाइज झाड़ मार एंड डाएट सो डाएट रे हूँ ऑयली स्पाइसी फुड खाइबनी माने जहाँ आम घरे नॉर्मल डाएट खाऊ जोटा बहुत मानते छुआ बड़ टू खाई आसुचु से नॉर्मल डाएट जोटा खाइबा कथा एंड पानी सफिशिएंट एंड रेगुलर ए दीटा मेंटेन करिले हार्मोन इम्बैलेंस रो चांसेस कम रहिबो आ गोटे जिनस देखा जाए मैडम जदि पीरियड होउनी जनरल थांती मेडिसिन खाइ दियंती पीरियड हो जाए 2-3 मास हुए पुणी थार डिले हो जाए तो मेडिसिन खाई की करिबा द्वारा केते इफेक्ट पड़े सेटा बॉडी उपरे जदि कहार हार्मोन इम्बैलेंस अधिक अच्छी मेडिसिन्स भी दरकार पड़े आउ रेगुलर खाइबा कथा अंडर मेडिकल सुपरविजन कहीं जहाँ हार्मोन इम्बैलेंस बेसी अच्छे जदि मेडिसिन्स दौना देन तर बॉडी रो अदर ऑर्गन्स को भी एफेक्ट कर एंड बेसिकली यूट्रस एफेक्ट कर सो जब भी मेडिसिन्स नवा कथा जन जन को झील मानक तो लाइफ मानते बहुत वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष भी मेडिसिन दबा को पड़े एंड अंडर जदि डॉक्टर सुपरविजन विथ रेगुलर चेकअप नौले तार किसी प्रॉब्लम ना बट विदाउट मेडिकल चेकअप जदि नौ ओवर द काउंटर से भूल
आउ गोटे जिनस मैडम ऋतुस्राव समस्या कौन सर्जरी करने को पड़े जार साइकल डिस्टर्बेंस हेला आउ जना पड़ला कि यूट्रेस भितरे पॉलीप अच्छी कि किछि ग्रोथ अच्छी सिस्ट अच्छी ताले तारो इंडिविजुअल थाए जगह थाए कि जो थे मेडिसिन्स काम करे आउ को गुड़ारे सर्जरी ही तारो सॉल्यूशन मेडिसिन्स खाई कि जेते प्रोलॉन्ग करिले भी अल्टीमेटली ताकु बाहर करबा को पड़िबो माने छोटो पॉलीप थिले ताकु बाहर कर देले आउ मेडिसिन भी दरकार नै आउ सेटा रिकर भी करबो नै आउ गोटे मैडम ई तो सब बर्गर जानले बट जेते मेनोपॉज हुए मोस्टली किसी लेडीज मैंने जापारती तो एमती किसी सिम्टम्स अच्छे जो डॉक्टर सहित कनसल्ट करेंगे माइट भी मेनोपोज टाइम हो गला मैंने एक्सेप्ट ब्लीडिंग छड़ा ऋतुस्राव साइकिल चेंजेस आसू सो जमती कह पेरीमेनोपज मैंने 10 वर्ष हो पारे 15 वर्ष हो पारे बिफोर चेंजेस स्टार्ट हम बट मेनोपज पूरा बंद हो आफ्टर मे बी 5-10 years सो से भितर इरेगुलर साइकल्स हो पारे मैंने गैप हम 45 days साइकल हम 3 months रे हम 4 months रे हम कि जल्दी जल्दी हम बट जल्दी जल्दी जदि रेगुलरली होटा निहाती डॉक्टर को देखेबे आउ डिले है सांगे मूड स्विंग्स हो पारे टी डिप्रेशन हो पारे इरीटेसन लगीपे यूरीनरी इनफेक्शन बारंबार हवा चांसेस थाए सो यू कनसल्ट करा कथा कहीं वेजाइना भी ड्राइनेस हो जाए जो हार्मोनल इम्बालांस हुए सो से गुड़ा लोकल क्रीम्स देले भी सेटा भल इंपैक्ट करे एंड बट जार 1 year है कि पूरा बंद अच्छी एंड मेनोपॉज एज रे अच्छी तापर 1 year पर जो ब्लीडिंग होउची इमिडिएटली डॉक्टर को कनसल्ट करवा कथा मैडम ब्लड फ्लो रे भी मोस्ट ऑफ द टाइम लोक कथा हमें कि डार्क अच्छी तो ठीक अच्छी लाइट कलर अच्छी या भितर किसी फरक अच्छी मैंने एटा भी आम जानवा दरकार कि नहीं फ्लो मैंने कलर सांगे कि ना बट ये जहाँ बहुत क्लॉट्स आसूची सो से देखा पड़ो चेक कर कि फाइब्रॉइड्स कि किसी पॉलीप अच्छी कि ना अदरवाइज नो मैंने कलर सांगे कि रिलेशन मैंने हाँ डेंजर नुह बट क्लॉट्स आसवा मैंने बेसी ब्लीडिंग होता क्लॉट बाहर सो से आउ किसी कारण अच्छी हार्मोनल डिस्टर्बेंस छड़ा किसी ग्रोथ अच्छी कि ना से चेक करिवा कथा तो सेटा कंसल्ट कर जति कर मैडम आ गुटे जिंस जदी आपन को बिफोर मैरिज जदी पीरियड साइकिल ता ठीक नाही ताहले सेटा कंसीव करिवार किछि प्रॉब्लम हुए कि बा सेटा इनफर्टिलिटी आडू को जिबो कि जहारो बिफोर मैरिज माने पीरियड्स इरेगुलर अछि माने देयर इज सम किछि हार्मोनल प्रॉब्लम एंड हार्मोन्स इम्बालांस रहिला कि हार्मोन आसे गोटे लेडी रो गोटे पैटर्न रे जते बेले एग रिलीज हुए एंड सेही हार्मोन्स रिलीज है ही तार पीरियड्स हम जार पीरियड्स इरेगुलर अच्छी मानने एग रिलीज हाँ कि ओवुलेशन पैटर्न टा डिस्टर्ब अच्छी सो जदि एग रिलीज हेनी से इनफर्टिलिटी आड़ को प्रॉब्लम कर मेनली जो फर्स्ट कॉज मैंने कहीं रेगुलर जदि खाली हार्मोनल इम्बालांस अच्छी ताहले सम मेडिसिंस नहीं किस नहीं कि प्लानिंग करवा बेटर बट जदि हार्मोनल इम्बालांस मेडिसिंस पर भी ठीक हो ना देन अदर ट्रीटमेंट्स जोटा आम इनफर्टिलिटी आगे को जाओ IUI हो कि जहाँ भी दरकार कनसल्ट कर प्लानिंग करवा मैडम आफ्टर मेनोपोज भी देखो किसी लेडीज मान स्पॉट देखा जाए तो सेटा गुटे कोन डेंजरस हे पारे कि इट्स नॉर्मल नॉर्मली जदी 1 year आमे कहू मेनोपॉज जते बेले 1 year पूरा पीरियड्स बंद अछि एंड ता परे ब्लीडिंग होबा इज कंप्लीटली एबनॉर्मल सेथरे ब्लीडिंग हे पारे बहुत कम केसेस थाय जोथरे ब्लीडिंग होबो जस्ट ड्राइनेस जोगु बट अगेन सेटा जणा पड़िबो आफ्टर चेकअप मोस्ट कॉमन आमे जानिबा कथा होची कि किछि सर्वाइकल कैंसर आडू को जाउची कि एंडोमेट्रियम कैंसर आडू को जाउची तापाई चेकअप करे कि पैप्समेयर करे कि अल्ट्रासाउंड करिले एटा कन्फर्म हो पार सो 1 year पीरियड्स बंद हो गला जेबे भी स्पॉटिंग हो कि ब्लीडिंग हो इमिडिएटली कंसल्ट समटाइम्स देखा जाए मैडम गोटे गोटे लेडीज कर 2 times भी पीरियड हुए बेसी हुए नहीं बट सम स्पॉट्स रुहे माने एटा को हमें कौन बोली भावेबा एटा भी गोटे डिजीज हो पारे कि नॉर्मली आम जो मैंने बायोलॉजिकल साइकिल कहूँ से 28-30 days भितर पीरियड्स हम कहीं गोटे स्त्री 14 days पखापाखि एग रिलीज हम मानने अंडा फुटबो ता जो हार्मोन्स आसो तार 14 days पर पीरियड्स हम सो जनकर जदि मिड साइकिल मानने 14-15 days पखापाखि टिके स्पॉटिंग होटा ओव्युलेसन टाइम कि एग रिलीज टाइम भी हुए बायोलॉजिकली नॉर्मल
बट ऑब्वियसली से झीओ पाई सेटा डिस्टर्बिंग हम हार्मोन्स अगेन तंको भी टिके हार्मोन्स दरकार 3-4 साइकल्स एंड सेटा सेटल हो जाए बट जणकर जदी 15 डेज रे पीरियड्स होची सेटा नॉर्मल नुओ एंड तंको लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस की आउ किछि फॉलोअप की किछि आउ ग्रोथ अछि ता पई चेकअप्स दरकार अल्ट्रासाउंड करी की मैडम लास्ट एक हो मैसेज कौन रहिबो आपन को मेन्स्ट्रुएशन साइकल गोटे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल फेनोमेना ता पाई केबे टाबू रखिबा कथा नुहो एंड घर लोकों को सांगरे फीमेल बड़ो चाहे माँ हो भोनी हो नहले एटलीस्ट फ्रेंड्स मन को सांगरे भी डिस्कस करी कि डॉक्टर को देखेबे एबे तो गवर्नमेंट भी गोटे प्रस्ताव आनी कि पीरियड टाइम रे जहार अधिक पेन होची तांको लीव दबा कथा एंड एटा गोटे भलो इनिशिएटिव कहीं जो जण जणकर एक्चुअली भी बहुत हुए सो फैमिली मेंबर्स को जणेले से माने भी प्रोटेक्ट करिबे आउ हेल्प करि पारिबे थैंक यू सो मच मैडम मुझे छोटे छोटे जिनस चेंजेस करदेबा तो आम लाइफ सैकल एज हो मेन्स्ट्रुएशन सैकल भी चेंजेस हम थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यू थैंक यू बिल्कुल यहाँ मतलब कहवा दरकार ही ना कि या विषय चर्चा बा या विषय एनी प्रॉब्लम हो सहित डिस्कशन करेंगे जहाँ सहित आज कंफर्टेबल फील करते बिकज ये आप लाइफ रोटे पार्ट ये हेल्दी रही क्या आम बॉडी संपूर्ण मात्रा रे हेल्दी रो सो निश्चित भाव में या पर चर्चा करूँ आउ हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखापी आप प्रिकॉशन फॉर हेल्थ चैनल को एवं सब्सक्राइब करूँ हाँ बेल आइकन दबेवा को जमा भी भूलिबे नी आपको फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम मध्यम फॉलो करेंगे सुस्थ रुहंतु खुशी रे रुहंतु नमस्कार दर्शक बंधु बिना अपॉइंटमेंट रे सबु रोगर सफल उपचार जानिबा पई हेले एबे ही सब्सक्राइब करंतु हमर YouTube चैनल प्रिकॉशन फॉर हेल्थ आ बेल आइकन क्लिक कला फळ रे आपण हेल्थ रिलेटेड वीडियो सहित रहिबे अपडेट।